प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य के संदर्भ में दिनांक 27 से 3 अक्टूबर के बीच में आने वाले सप्ताह का वृषभ राशि वालों के लिए वर्णन करने जा रहा हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? वृषभ राशि वालों के लिए जमीन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो लाभान्वित होंगे, माइनिंग के कार्यों में आप लाभान्वित होंगे, भाई के सहयोग से कोई अच्छा लाभ हो सकता है और आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी और आलस आपका समाप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह रहेगा। साथ साथ में ये मंगल देव आपके जो है सो एकादशी सर्वलाभम सब प्रकार से लाभदायक हैं। भूमि संबंधी कार्य आप करेंगे उसमें लाभ होना सुनिश्चित है। साथ साथ में राहु देव आपकी राशि पर आ चुके हैं। राहु जब लग्न में आते हैं तो लग्न में आपके राशि पर से भ्रमण करेंगे, तो वृषभ राशि पर राहु आए हैं और ये आ करके जमावट कर दिए हैं, डेढ़ वर्ष के लिए रहेंगे आपकी राशि पर। अभी इस सप्ताह क्या करने वाले हैं राहु देव? जब कोई ग्रह साथ में रहेगा तो परिवर्तन होता रहेगा, बाकी स्वतंत्र सत्ता रहती है, तो यही फल जो मैं बताने जा रहा हूँ वही रहेगा। तो राहु आपके या तो आपके रहस्यात्मक प्रवृत्ति को बनाएगा, शंका कुशंकाएं आपके मन में विचारधाराएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, एक अज्ञात भय आपको बन जाएगा। ये नई व्यवस्था आपके जीवन में अभी इस सप्ताह आने वाली है और आप जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ भी करेंगे संदेह की दृष्टि से देखेंगे इस प्रकार से। और आपका जो है सो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन आप परोपकार का भी आपको चेतना ज़्यादा जागृत होगी, इस प्रकार से आपको इस सप्ताह राहुदेव करने वाले हैं। और आपके पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ें या स्वभाव बिगाड़ें, इस पत्नी से थोड़े से मन मुटाव भी हो सकते हैं। और आपके जो है सो भाग यहाँ से कर्म क्षेत्र में कुछ अच्छी प्रगति करने वाले हैं, लेकिन साथ में पिता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इस तरह से राहुदेव आपके ऐसा काम करने वाले हैं। और गुरुदेव आपकी राशि से जो है सो भाग्य में अभी चल रहे थे, अब अष्टम आ रहे हैं, तो अष्टम गुरु क्या करेंगे? अष्टमे मरण ध्रुवम, आपको जो गुप्त रूप से जो ज्ञान है वो अचानक उत्पन्न होने वाला है, जिसको कभी नहीं सोचा, ऐसी बुद्धि आपकी परिष्कृत होने वाली है। और धन से संबंधित कोई स्थायित्व बनाने की स्थिति बनेगी, परिवार जन आपका प्रशंसा करेंगे, परिजनों से आपका स्नेह और अच्छा संयोग बनेगा, उनके सहयोग से कोई बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। और भवन निर्माण के कार्य में गुरुदेव पूरे सहायक बने हुए हैं, मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा इस प्रकार से। और शनिदेव आपकी राशि से कहाँ चल रहे हैं? अभी नौमे भाग्य में चल रहे हैं, भाग्य में चल रहे हैं तो क्या करेंगे? आपके छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन, इनको कष्ट होने वाला है, या उनके सहयोग में असहयोग बनेगा, या उनसे मनमुटाव हो सकता है। इस प्रकार से भाई बहन, छोटे भाई बहन और लाभ जो आपका होने वाला था वो लाभ में रुकावट कर रहा है। इस प्रकार समय बहुत ऐसे अनुकूल आ रहा है। 1 तारीख से आपका जो है शनि अभी बकरी चल रहा था, जो कर्म क्षेत्र में चल रहा था, इस प्रकार से वो बकरी शनि चल रहा था, वो अब ठीक भाग में चल रहा था, वो अचानक ही अच्छा फल देने वाला होगा। साथ साथ में आपके रोग और शत्रुओं का अपने आप विनाश होने वाला है, शत्रु बाधा जो है दूर होने वाली है, गुप्त शत्रु गुप्त रोग आपको जो चल रहे थे वो अपने आप समाप्त होने वाले हैं। इस प्रकार से राहु गुरु अच्छा शनि और मंगल आपकी राशि से एकादश में है, वो लाभदायक तो बता दिया है। साथ साथ में सूर्य देव आपकी राशि से जो है सो पंचम है, पंचम जब सूर्य जाते हैं तो पंचम सूर्य क्या करते हैं? संतान बाधा पहुंचाते हैं और उदर विकार, पेट में गर्मी ऊष्मा पैदा करेंगे, ऊष्मा पैदा करने का एसिडिटी आपको बढ़ सकती है, और आपके एसिडिटी बढ़ने के साथ एक
ऐसे कार्य में खर्चो पंचम है तो आपको सरकार से लाभ होगा, सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलेगा। कोई कार्य कर रहे हैं अभी तक नहीं बनना था, वो बन जाएगा इस सप्ताह में। बड़े भाइयों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से और चंद्रदेव क्या करने वाले हैं, आपकी राशि से जो चंद्रदेव हैं वो चंद्रदेव भाग्य वृद्धि में सहायक बनेंगे। वृषभ राशि से वो भाग्य में जाने वाले हैं तो 27 और 28 तारीख को अचानक भाग्य वृद्धि का सहयोग बनेगा। जो कार्य कभी नहीं हुए 27-28 को आप कर डालें, बहुत अच्छा कार्य बनेगा। उसके पश्चात 29 और 30 तारीख को वो सब कार्य को अवॉइड करें, किसी ये समय बहुत खराब है, कहीं चोट चपेट अचानक दुर्घटना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उससे सावधान रहना है। उस किसी से विवाद हो सकता है, विवाद से भी बचना चाहिए। और अनेक प्रकार से विवादों से बचने के साथ साथ में आप अपने जो है सो विशेष करके अपने घर में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उपद्रव की लड़ाई हो सकती है। और उसके पश्चात तो जो शनि चंद्रदेव हैं आपके 1 और 2 तारीख को बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। 2 तारीख को आपका पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा और सहयोग के साथ साथ में आपकी यात्रा कहीं आ सकती है, यात्रा में लाभ भी होगा और साथ साथ में आपकी दैनिक आय की गति बढ़ेगी, दैनिक आय में लाभ होगा। इस प्रकार से सूर्य आदि 9 ग्रहों का जो फल है वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा फल देने वाला है। मंगल कामना करता हूँ कि अच्छा मंगलमय रहे। हरिओम।